What is up, everyone? मैं केन हूं, बारबेरियन, और मैं खेल रहा हूँ GTA 5। और बहुत दिनों के बाद आया हूँ मैं, कम से कम एक हफ्ते बाद, नहीं दो हफ्ते हो गए होंगे लग रहा है मेरे को। तो सही में इस दिवाली में आप लोगों को दिखा भी नहीं और आपको हैप्पी दिवाली भी नहीं कहा। वाह, हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं लेके आया, और आप लोग बहुत ही खुश होंगे कि तू चाब नहीं रहा था इतने दिन से। तो हाँ, मैं दो हफ्ते आप लोगों को नहीं चाबा और नहीं वॉक थ्रू किया, और अपना गेम थोड़ा सा बचा हुआ है GTA 5, उसको बाद में कंप्लीट करेंगे। आज मैं बनाऊंगा छुट्टियों का दिन और आपसे करूंगा बात और कुछ कुछ गुफ्तगू, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है। कुछ दिन के ब्रेक के बाद मैं इतने दिनों बाद वापस आया हूँ दोस्तों। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं एक भी वीडियोस, मतलब दो हफ्तों के अंदर मैं कुछ भी किया नहीं हूँ, मैं बकवास ही हुआ है, मेरा टाइम पूरा बर्बाद हो गया। पर आप लोगों का सपोर्ट बहुत भारी आया है, पूरे लोग मुझे सब्सक्राइब किए हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया है, और कम से कम मैं अब 300 सब्सक्राइबर के पास पहुँच गया हूँ। आपका प्यार बनता है, यस गुड, थैंक यू। ज़रूरी था, मेरे को लगा नहीं था कि ये सब होगा, और मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपना सेटअप टूर लाऊंगा अगर मेरे 250 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, और 250 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं दोस्तों कब के, और मैं अपना सेटअप टूर लाया नहीं हूँ। और अपना वादा मैं पूरा करते हुए सेटअप टूर ज़रूर लाऊंगा और ज़रूर आपको अपना सेटअप टूर दिखाऊंगा कि मेरे घर का क्या हालत है और मेरे कंप्यूटर का भी, और मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं कुछ नहीं, बस अपना GTA का थोड़ा सा यहाँ पर कार का प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये महंगी वाली गाड़ी लिया हूँ और बस इधर उधर अपन मंडरा रहे हैं। तो आप लोगों का दिन कैसा गया आप बताइए। हाल ही में मैं सच बताऊँ, दिवाली में मैं फुल बोर हो गया था, पर दिवाली के माहौल में जब पटाखे फोड़ा तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ मेरा। बोर होने के कारण मैं और भी वीडियोज़ नहीं बना रहा था, पर बनाऊँगा मैं, अब ज़रूरी है, नहीं बनाएंगे तो चलेगा कैसे। वो देखो चोर जा रहा है, मेरे को चोर से कोई मतलब नहीं, मैं घूमूंगा। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे, दिवाली का दिन, तो कितने फटाके फोड़े दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको दिन कैसा गया, कितना मज़ेदार था। अभी कुछ दिन पहले रिफ्लेक्स से बात हुआ था, मज़ा आ गया था रिफ्लेक्स से, और उसका भाई तभी शायद कमेंट कर रहा था मेरे को, ऐसा मुझे ऐसा लगा। और कुछ कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, वेलकम करता हुआ, वेलकम, एक हार्टी हार्टी वेलकम, वार्म वेलकम, ऐसा टाइप का बोल सकता हूँ। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं और मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या आप सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम मुझे नहीं बताए हैं, या फिर अपना मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दिए हैं, तो आइए कमेंट सेक्शन में और थोड़ा सा गाना गाइए और कमेंट वमेंट लिख के जाइए यार, मैं तभी तो याद रखूँगा आप लोग को, तभी तो याद आएगा, तभी तो बात चलेगा, तभी तो खेलेंगे अपन। तो मैं अपना फेस तो अभी रिवील नहीं किया हूँ, पर हाँ सेटअप टूर जरूर रिवील करूँगा और अपना सामान थोड़ा सा दिखा दूंगा। और हाँ, मेरा फायर क्राई गेम भी बचा हुआ है, फायर क्राई को कंप्लीट करना जरूरी है, 5-6 के वीडियोस बचे हुए हैं, तब जाकर फायर क्राई कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं कोई नया गेम खेलूंगा। मैं सोच रहा था कि अर्कम असाइलम खेलूं, बैटमैन अर्कम असाइलम। पता नहीं बैटमैन कितने लोगों को पसंद आता है और कितने लोग मतलब बैटमैन को अच्छा मानते हैं। मेरे को बैटमैन बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सुपर हीरो है वो। तो मैं बैटमैन का गेम खेलने का सोच रहा था, क्योंकि बैटमैन का गेम मैं खेल रहा था और आधे में छोड़ दिया था, तो मैं उसे भी कंप्लीट कर सकता हूँ, एक अच्छा चांस भी रहेगा शायद, देखता हूँ। अगर वो नहीं तो कोई हॉरर गेम सही, तो कोई हॉरर गेम खेल लेंगे अपन। मेरे को कई लोग सजेस्ट कर रहे थे कि ग्रैनी खेलो यार, ग्रैनी खेलो, या फिर वो पैसिफाई, ये सब गेम है, ये सब भी खेला करो करके। पैसिफाई मेरे को खरीदना पड़ जाएगा दोस्तों, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और मैं अभी पैसा खर्चा करने के लायक नहीं हूँ, बस पॉपकॉर्न खरीद के खा सकता हूँ, बस उतनी ही अभी मेरी वो है हैसियत। तो अभी मैं पैसा कहीं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पैसा बहुत खर्चा हो गया इस महीने, और ख़ासकर मेरे ऊपर तो ज़्यादा ही हुआ है, तो मैं ग्रैनी अभी नहीं खेल पाऊँगा। बाकी कोई दूसरा गेम जरूर खेल सकता हूँ हायर में, और पता नहीं उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा, तभी मैं खेलूँगा और आप लोगों को जल्द ही मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो ये होता है मेरा पूरा इंट्रोडक्शन, इतने दिनों का प्लान और क्या क्या मैं किया। तो मैं कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी ज़िंदगी को है जिया, बस साड़ा सा है ये डायलॉग। हाँ, तो यही सब कर रहा था मैं। और हाल ही में PS5 और Xbox भी आ चुका है, और काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा वो कंसोल्स बहुत पावरफुल है, और क्या कर सकते हैं वो भी मैं देख लिया हूँ। यस, 60 फ्रेम, 4K, फलाना ढिकाना, 120 हर्ट्ज़, ये वो डम है, कंसोल PC बन रहा है, PC का बाप बन गया ऐसा लग रहा है। और अभी मेरा PC उतना पावरफुल नहीं है, पर जितना भी पावरफुल है उसमें मैं ये सारे गेम खेल सकता हूँ, और आप लोग देख ही सकते हैं ये गेम कैसे चलते हैं मेरे में। तो
मैं ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए आप सब लोगों से लेता हूँ विदा, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये बकलोली, और मैं गेम वापस खेलने आऊँगा थोड़े दिन में, गारंटी नहीं दे सकता कब आऊँगा पर आऊँगा ज़रूर। तो प्लीज़ कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, और वेट कीजिए, देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ और कौन सा नया गेम लाता हूँ, प्लान करूँगा जल्दी बताऊँगा। और आप लोगों को फिर से दिवाली की बधाई, मैं 4-5 दिन लेट हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं बिजी था थोड़ा, पर देर आया, पर देखते हैं दुरुस्त आया। तो टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे सेफ, घर में रहिए, कोरोना भी गया नहीं है।